हेलो एंड वेलकम आज टॉयज पिटारा में मैं लेकर आई हूँ ये बिग साइज सुपर रोबो जो टॉकिंग वॉकिंग और डांसिंग के साथ साथ अपने माउथ से फ्रिस्बी थ्रो करता है। तो जल्दी से इसे अनबॉक्स करते हैं और चेकआउट करते हैं इसकी फंक्शनिंग। सबसे पहले इसकी पैकेजिंग अगर आप चेक करें तो आप देख सकते हो कि इसकी पैकेजिंग में ही इसके सारे डिटेल्स एक्सप्लेन्ड हैं। तो आप सुपर रोबो को बॉक्स से बाहर लेकर आते हैं। एंड ओ माय गॉड दिस इज ह्यूज। आप देख सकते हो कि इसका साइज कितना बड़ा है और इसे इस बॉक्स से बाहर लाने के लिए हमें इसे बैक साइड से डिटैच करना होगा। So this is the look of Space Visor Robo. ये प्लास्टिक मटेरियल से बना है लेकिन इसे मेटालिक फिनिश दी गई है एंड इट इज क्वाइट हैवी टू। ये देखने में काफी हद तक एक हाई एंड रोबोटिक लुक ही दे रहा है। तो ये है रोबो का ओपन एंड वाइड माउथ जहां से ये फ्रिस्बी थ्रो करने वाला है एंड आई एम श्योर आपने इसका इनसाइड लुक भी चेक किया होगा जिसमें हमें टंग की तरह जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था वो एक्चुअली में एक फ्रिस्बी ही था। इस रोबो को कंट्रोल करेगा ये इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल। रोबो की बेस्ट फंक्शनिंग के लिए हम ये इंश्योर करें कि ये रिमोट इसके हेड को पॉइंट करे। मैंने इस सुपर रोबो में 4 AA साइज बैटरी और इसके रिमोट में 2 AA साइज बैटरीज फिट कर दी हैं। अब हम इसकी फंक्शनिंग चेक करते हैं। बैटरीज फिट करने के बाद सबसे पहले हम इसके बैक साइड में दिए गए इस ऑन एंड ऑफ बटन से इसे ऑन करेंगे और उसके बाद रोबो के फ्रंट में दिए गए इस रेड बटन को प्रेस करेंगे। तो आपने देखा कि किस तरीके से इस रेड बटन को प्रेस करते ही रोबो की आईज ग्लो करने लगी और साथ में रोबो ने अपना इंट्रोडक्शन भी दिया। अब इसके रिमोट के थ्रू इसे कंट्रोल करके चेक करते हैं। मैं रोबो को यहाँ सेंटर पर लेकर आती हूँ और रिमोट में दिए गए फर्स्ट बटन को प्रेस करती हूँ। तो इस लेफ्ट बटन को प्रेस करके चेक करते हैं। लेफ्ट बटन को प्रेस करने से रोबो ने अपना हेड लेफ्ट साइड मूव किया। अब राइट बटन को प्रेस करते हैं और उसी के साथ रोबो ने अपना हेड राइट साइड मूव कर लिया। अब इन बॉटम बटन्स को चेक करते हैं जहां पे रोबो के फुट की इमेज बनी हुई है। अब मैं राइट साइड प्रेस करती हूँ तो इन दोनों बटन से रोबो पूरा का पूरा अपने लेग्स के थ्रू लेफ्ट और राइट मूव करता है और मूवमेंट के साथ साथ साउंड भी प्रोड्यूस होती है और रोबो कुछ बोलता भी है। अब बॉटम में इस W बटन को प्रेस करके चेक करते हैं। तो इस W फॉरवर्ड बटन को प्रेस करने से रोबो आगे की ओर मूव करता है और इस बॉटम बटन को प्रेस करने से रोबो बैकवर्ड मूव करता है। और आपने नोटिस किया कि किस तरीके से रोबो अपने लेग्स के साथ साथ अपने हैंड्स भी मूव कर रहा है। अब इन एस फॉरवर्ड और एस बैकवर्ड बटन को प्रेस करके चेक करते हैं। अब इस पी डांस बटन को प्रेस करने से रोबो डांस करने लगेगा। आर स्लाइड बटन को प्रेस करेंगे
तो अब इस रोबो का मोस्ट अवेटेड फंक्शन जो कि है इसके माउथ से फ्रिस्बी थ्रोइंग फंक्शन, उसे चेक करते हैं। इस रोबो के हेड में फ्रिस्बी को इस तरीके से फिक्स किया जाता है। इसके माउथ से फ्रिस्बी थ्रो करने के लिए सबसे पहले हम इस की बटन को प्रेस करेंगे। तो देखा आपने कि जैसे ही हमने की बटन को प्रेस किया वैसे ही इसमें से एक रोटेटिंग साउंड प्रोड्यूस होने लगी और उसके बाद रोबो ने हमें शूट का मैसेज दिया और जैसे ही हमने शूट बटन को प्रेस किया तब इसने अपने माउथ से फ्रिस्बी थ्रो किया और बार बार शूट का बटन प्रेस करने से ये लगातार फ्रिस्बी को थ्रो करता रहा। फ्रिस्बी थ्रोइंग स्पीड बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए आप वो शॉट एक बार स्लो मोशन में भी चेक कीजिए। तो ओवरऑल अगर इस स्पेस वाइजर का रिव्यू किया जाए तो ये तो कहना होगा दैट दिस मेक्स अ वंडरफुल गिफ्ट ऑप्शन फॉर योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। इसको देखते ही मुझे वॉली की याद आ गई। आप अगर इस सुपर रोबो को परचेज करना चाहते हैं तो आप उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के थ्रू भी परचेज कर सकते हो। और इससे पहले मैंने रोबो डॉग पर भी एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई है, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर से चेक कर लेना और टॉयज पिटारा चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करना। बेल आइकन को भी ऑल नोटिफिकेशन में ज़रूर से प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो जब तक मैं अपनी अगली वीडियो के साथ आऊँ तब तक के लिए बाय।